हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि पॉलिटेक्निक और बीटेक दोनों के लिए होने वाला है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैट लैब क्या होता है, ये मैट लैब किन स्टूडेंट के लिए है, क्या होता है OEM और परपेचुअल लाइसेंस क्या होता है, इसके बारे में फुल डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो मिलती रहती है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएसटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पे जैसा कि आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, ये जो एडवर्टाइजमेंट है स्पेशली मैटलैब सॉफ्टवेयर के लिए है, जो कि बिहार की सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज और बिहार की सभी इंजीनियरिंग यानी बीटेक कॉलेज वालों के लिए है। मैटलैब, चाहे आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो या फिर बीटेक स्टूडेंट हो, मैटलैब के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। खास करके जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट है, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट है, वो तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में जरूर रूबरू होंगे ही। तो आज की इस वीडियो में मैं मैटलैब के बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आज हम सिर्फ इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैटलैब पे एक फुल डिटेल वीडियो बनाओ, तो आप हमें कॉमेंट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार अंतर्गत संचालित सभी 30 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय यानी कि बिहार के सभी 30 बीटेक कॉलेज एवं बिहार के सभी 43 राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में मैटलैब सॉफ्टवेयर के परपेचुअल लाइसेंसिंग के माध्यम से सॉफ्टवेयर का क्रय या अधिप्राप्ति किया जाना है। मैटलैब एक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आपने जान लिया। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। कि परपेचुअल लाइसेंसिंग का मतलब हुआ कि हमेशा के लिए लाइसेंस प्राप्त करना। कहने का मतलब, जैसे कि आपको पता है बहुत सारी चीजों का सब्सक्रिप्शन कुछ महीनों के लिए होता है, कुछ साल के लिए होता है, लेकिन ये जो मैटलैब का सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए बोला जा रहा है यानी इनका जो लाइसेंस लेने के लिए बोला जा रहा है, ये हमेशा के लिए है। यानी एक बार अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं तो आप इसे लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। परपेचुअल लाइसेंसिंग का मतलब यही हुआ। इस हेतु अधिकृत OEMs अथवा उनके प्राधिकृत वितरक, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टनर्स विस्तृत वित्तीय विवरणी के साथ प्रस्ताव विभाग के ऑफिशियल ईमेल, यहाँ पे ईमेल दिया गया है, पर दिनांक 25/6/2024 तक उपलब्ध करा सकते हैं। OEM क्या होता है? OEM का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो अपने नाम के तहत किसी अन्य कंपनी को किसी भी उत्पाद यानी किसी भी प्रोडक्ट को बेचने की अनुमति देता है या उनके लिए कोई भी सामान बनाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी OEM कंपनी यानी कोई भी कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है, वो डेल के लिए हो सकता है या फिर लेनोवो के लिए हो सकता है या फिर HP के लिए हो सकता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर वो बना दिए हैं, अब कंप्यूटर निर्माता तो ये OEM वाले हो गए। अब वो जो भी जिनको देंगे, अब वो डेल से बेचे या फिर लेनोवो कंपनी से बेचे या HP, यानी अलग अलग नामों से हो सकते हैं। ये तो हो गया OEM की बात, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और यहाँ पे 43 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो कि DSTTE के अंतर्गत आते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइसेंस रिक्वायर्ड पर इंस्टीट्यूट मैटलैब सॉफ्टवेयर, यानी कि पर कॉलेज को कितने सॉफ्टवेयर चाहिए, तो पर कॉलेज को यहाँ पे 10 सॉफ्टवेयर चाहिए। यानी कि अगर 30 कॉलेज हैं तो 30 × 10 कितने हो गए? 300। यानी कि बीटेक कॉलेज के लिए 300 मैटलैब सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। और बात कर ले पॉलिटेक्निक कॉलेज की, तो आपको पता है 43 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो 43 × 10 यानी कि 430 सॉफ्टवेयर चाहिए। किन के लिए? डिप्लोमा के लिए। रिमार्क यहाँ पे लिखा गया है, दिस गिवन नंबर मे बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ये जो नंबर है घट सकती है, बढ़ सकती है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के आधार पे। यानी फ्यूचर में अगर इसकी आवश्यकता बढ़ेगी तो ये नंबर बढ़ सकती है, आवश्यकता घटी तो ये नंबर घट भी सकती है। यानी कि मेन रूप से यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट का ये मतलब हुआ, अगर आपके कॉलेज में मैटलैब सॉफ्टवेयर नहीं है या फिर मैटलैब नहीं करवाया जाता है जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है, तो अब से क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए सॉफ्टवेयर का लाइसेंस सभी कॉलेजों के लिए बोल दिया गया है। यानी अब से आपका मैटलैब होना प्रारंभ हो जाएगा अगर नहीं होता है आपके कॉलेज में तो। ऑलरेडी ऑलमोस्ट कॉलेज में मैटलैब की सुविधा है और वहाँ पे सॉफ्टवेयर भी चल रही है, बट लाइसेंस लेने के लिए यहाँ पे न्यू एडवर्टाइजमेंट है जो कि सभी कॉलेजों को लेना होगा अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो।
तो बहुत सारे स्टूडेंट इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूछ रहे थे, जिसके लिए वीडियो बनाया गया है। आई होप इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।